बुरहानपुर जिले के लामबंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की है, जिनमें संयुक्त मोर्चा ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली और इसी के साथ शहरी ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण की मांग, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रही हैं। उनका कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारा वेतन मान बढ़ाया जाए, वही हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और उन्होंने बताया कि रिटायर्ड होने पर कार्यकर्ताओं को 1 लाख और सहायिकाओं को 75,000 रुपये मिलने थे, पर नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि मांगों को 14 मार्च तक नहीं माना गया तो कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। मध्य प्रदेश में बस एक दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं। आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें से प्रमुख मांग हमारी ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। नंबर 2, जो बीमा दिया है सरकार ने हमको 40 वर्ष की आयु तक, तो उनको आगे तक यानी हम लोगों को सभी को बीमे का लाभ मिले। तीसरा, जो उन्होंने हम मध्य प्रदेश सरकार ने, जो शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त होने पर 1 लाख रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 75,000 रुपए सहायिका, तो उनको भी ये लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया है।